हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बनाने वाले हैं व्रत में कुछ खास स्पेशल। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने धनिया काट लिया है और टमाटर काट लिए हैं, रफली चॉप किए हैं और हरी मिर्ची डाल दी हैं और थोड़ा सा डाल देंगे अदरक और सेंधा नमक डालेंगे और इसको हम पीस लेंगे बारीक। तो हो गई हमारी चटनी तैयार। अब ले ली हमने एक थाली, उसमें ले लिए हैं मैंने आलू। चार आलू मैंने उबाल के रखे थे, उनको ठंडा कर लिया है। अब इनको अच्छे से हम मैश कर लेंगे। और ये साबूदाना मैंने 1 घंटे पहले भिगोया था और उसका पानी निकाल दिया है। अब इसमें साबूदाना भी डाल लेंगे और ये कच्ची मूंगफली है ये भी डाल लेंगे हम। थोड़ी खट्टे मीठे स्वाद के लिए थोड़ी किशमिश भी डाली है और डाले हैं थोड़े काजू मैंने 2 पीस में कट करके, हरा धनिया, हरी मिर्ची, काली मिर्च पाउडर और सेंधा नमक डाला है और थोड़ा डालेंगे कुट्टू का आटा, वो भी बाइंडिंग के लिए। अब इसको अच्छे से हमें डो बना लेना है और पानी हमें डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये ऐसे ही डो तैयार हो जाएगा। अब छोटी छोटी इसकी लोइयाँ लेंगे और इसको गोल गोल हम बनाएंगे इस तरीके से। टिक्की की शेप दे दी है मैंने इस तरीके से, अभी हम बना लेंगे। और फ्रेंड्स, कोई परेशानी नहीं होती, बहुत इजीली बन के तैयार हो जाती हैं ये। देखिए इस तरीके से सभी बनाएंगे हम। ये देखिए सभी बन के तैयार हो गई हैं। अब रख दी है मैंने कढ़ाई और इसमें डाल दूंगी मैं ऑयल। ऑयल मैंने मूंगफली का लिया है, आप देसी घी लेना चाहें तो ले सकते हैं। मैं ज़्यादा ऑयल नहीं डालूंगी क्योंकि मैं डीप फ्राई नहीं कर रही हूँ, हम ऐसे ही पकाएंगे जैसे कि हम टिक्की पकाते हैं ना, वैसे ही इसको हम बनाएंगे। और आप वैसे बनाना चाहें तो डीप फ्राई करके भी बना सकते हैं। और एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि साबूदाना है वो चिपकता है बर्तन में, इसलिए हमें जब तक ये अच्छी तरीके से ना सीख जाए तब तक पलटेंगे नहीं, वरना इजीली उतरेंगे नहीं। जो अच्छे से सीख गई हैं देखिए आराम से पलट जाएंगी। अब देखिए सीख गई हैं सभी, दूसरा बैच भी हम लगा देंगे। फ्रेंड्स, इन्हें सेकने में 5 से 6 मिनट लग जाते हैं हमें आराम से। और फ्रेंड, खाने में बहुत टेस्टी लगती हैं और बच्चों को तो बहुत ही पसंद आई है। व्रत वालों को तो अच्छी लगेंगी ही, लेकिन ये घर में बाकी लोगों को भी बहुत पसंद आई है। और देखिए फ्रेंड, बन करके तैयार हो चुकी हैं और बहुत क्रिस्पी और क्रंची बनी है और बिल्कुल भी अंदर से ये कच्ची नहीं है। ये देखिए मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। अब लगा देंगे इस पे चटनी हरी धनिए की जो बनाई थी हमने और डालेंगे दही और अब करेंगे इसको एंजॉय। और फ्रेंड्स, अगर आप व्रत में नहीं बना रहे हैं, वैसे भी बना रहे हैं तो बना सकते हैं, बहुत टेस्टी लगती है। और मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।